मऊरानीपुर से भाजपा के समर्थन दल यानी अपना दल की प्रत्याशी रश्मि आर्या के समर्थन में पप्पू सेठ ने टहरौली में जनसंपर्क किया है, जहां उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए भाजपा सरकार बनाने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया है। झांसी के टहरौली में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य के पक्ष में पप्पू सेठ ने सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं से चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर मतदान करने की अपील की है। निलेश दुबे के बाड़े में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मऊरानीपुर विधानसभा व टहरौली क्षेत्र के विकास के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, समाज के सभी वर्गों के हित के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कोरोना काल में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कर गरीबों को राहत प्रदान की गई है। सपा बसपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को उन्होंने बाहरी बताकर चुनाव के बाद दिखाई न देने की बात कही है। कार्यक्रम के बाद ब्राह्मण परशुराम समिति द्वारा उन्हें चुनाव खर्च के लिए 10,000 रुपए भेंट किए गए हैं। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि टीकाराम पटेल, रिंकू दीक्षित, वरिष्ठ भाजपा नेता रितेश मिश्रा, क्षेत्रीय प्रवक्ता किसान मोर्चा रविंद्र सोनी, अच्छेलाल साहू, नेता तिवारी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। टहरौली से बीके तिवारी की रिपोर्ट।